बैक टू किचन फॉर यू। आज हम बनाएंगे गोभी पनीर पैनकेक। और आप देखिए बहुत ही बढ़िया गोभी पनीर पैनकेक बनके तैयार है, बहुत ही हेल्दी है। आप इसे बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। और देखिए कितनी अच्छी बनी है, आप इसे ब्रेकफास्ट में यूज़ करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस ईजी हेल्दी गोभी पनीर की पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने जो गोभी लिया है उस गोभी को हमें कद्दूकस करना है। आप चाहे तो गोभी को काट भी सकते हैं, लेकिन मैं कुछ इस तरीके से इसको कद्दूकस कर लूंगी। यहाँ पे हमने आधा गोभी लिया है और आधा गोभी को हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए गोभी हमने कद्दूकस कर लिया है, इसे हम एक साइड में रख देंगे। दूसरा और एक बाउल में हम ले लेंगे पनीर। पनीर को हम पहले थोड़ा सा काट लेते हैं। यहाँ पे हमने 200 ग्राम पनीर यूज़ किया है। पनीर को अब हमें मैश करनी है, तो यहाँ पे एक चम्मच लेंगे और चम्मच से पनीर को अच्छे से मैश कर लेंगे। पनीर जब अच्छे से मैश हो जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे अंडा। तो यहाँ पे हम दो अंडा डाल देंगे। दो अंडा डालने के बाद फिर पनीर के साथ अंडे को अच्छे से मिलाएंगे। इसमें क्या होगा, अंडा डालने से पनीर का जो पैनकेक बनेगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो देखिए अच्छे से अंडे को और पनीर के साथ इसे हमने मिला दिया है। पनीर को हम अच्छे से अंडे के साथ मिला दिया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 4 टेबल स्पून ऑनियन, हमने बारीक काट लिया है। साथ में डाल देंगे 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली और डाल देंगे 2 टेबल स्पून करियंडर। और साथ में डाल देंगे ये जो गोभी हमने कद्दूकस करके रखा था वो हम डाल देंगे और इसे अब हम अच्छे से मिलाएंगे। ये जो पैनकेक बनेगा ये बहुत ही हेल्दी है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे अब बनाएंगे, खाने में टेस्ट तो है ही। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून काला नमक डाल देंगे, साथ में डाल देंगे सोया सॉस। 1 टेबल स्पून डाल देंगे सोया सॉस और अच्छे से बैटर के साथ इसे हमें मिलानी है। अच्छे से मिलाने के बाद बैटर तैयार होगा। तो इसे एक बार अच्छे से मिला देती हूँ सोया सॉस और नमक की जगह। यहाँ पे टर्मरिक या रेड चिली पाउडर या क्यूमिन पाउडर कुछ भी नहीं यूज़ करनी है, बस अच्छे से बैटर तैयार है। अब हम चलते हैं पैनकेक बनाने के लिए। पैन में हम 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और पैन को अच्छे से क्रश कर देंगे। उसमें क्या होगा, पैन में बिल्कुल भी पैनकेक नहीं चिपकेगा। अब हमें जो बैटर है, बैटर को हम डाल देते हैं और डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा साइज कर देंगे। इसमें क्या होगा, जो पैनकेक बनेगा उसका शेप अच्छा आएगा। तो इस तरीके से इसे हम थोड़ा सा साइज कर देते हैं और फिर इसके ऊपर हम रख देते हैं गाजर। गाजर रखने में क्या होगा, ये जो पैनकेक बनेगा और भी हेल्दी होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। साथ में ऊपर में हम थोड़ा सा काला जीरा भी ऐड कर रहे हैं और फिर हम इसका कवर बंद करेंगे और बंद करने के बाद फिर इसको हम लो और मीडियम के बीच में रखेंगे। जब इसकी एक साइड अच्छे से पक जाएंगे तो इसके ऊपर हम एक प्लेट रख देंगे, फिर इसे पलट देंगे। इसके पलटने के बाद देखिए इसका एक साइड अच्छे से सेक चुका है और दूसरी साइड को भी हमें अच्छे से सेक लेना है। दोबारा इसका कवर बंद करना है और इसे लो फ्लेम में सेकनी है। और फिर जब इसकी दोबारा दूसरा साइड भी अच्छे से सेक जाएंगे तब हम इसे दोबारा एक प्लेट रखेंगे और प्लेट रखने के बाद दोबारा इसको हम पलट लेंगे। तो ये देखिए दोबारा भी हमने इसको पलट लिया है और ये हमारा गोभी पैनकेक बनके रेडी है। आप इसे सर्व करें, आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे पीसेस करके सर्व करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इजी हेल्दी गोभी पनीर पैनकेक बहुत ही टेस्टी है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे ले तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।